दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। भाई 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 साहब, पठान की डे 42 की यानी कि आज की ट्यूसडे की, सिक्स्थ ट्यूसडे की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और दिन के टाइम लगभग कितना अर्ली एस्टिमेट था इंडिया से, 75 लाख रुपीज। मैंने आपको क्या बोला था, इंक्रीज होगा। गाइज, इतना इंक्रीज हुआ है कि आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा। मतलब मुझे ये तो पता था कि जंप होगा भाई साहब, क्योंकि हॉलीडे है, अब खत्म करके सब लोग पठान देखने जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा ये जंप लेगी भाई, टोटली का टोटली अनबिलीवेबल, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि ओवरसीज से भी। तो भाई ये कर क्या रही है ये पठान, कर क्या रही है ये, कुछ ऐसा कर रही है जो आज से पहले भाई साहब मैंने नहीं देखा। मतलब टोटली का टोटली क्रेजीपन। बातें छोड़ते हैं, मैं आपको अर्ली एस्टिमेट बताता हूं ताकि आप भी देख के एक दफा हिल जाएं कि भाई ये ट्यूसडे पे क्या कर रही है। सिक्स्थ ट्यूसडे पे, अपने डे 42 पे। मैं आपको बता दूं, आज से पहले जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं, किसी भी मूवी की डे 42 की, ट्यूसडे की, सिक्स्थ ट्यूसडे की, गाइज हिंदी से इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं हुई। वो सारी बड़ी बड़ी मूवी पैन इंडिया मूवीज थी, ट्रिपल आर, केजीएफ, चैप्टर 2, बाहुबली 2, तो उन सारों की पांचों के पांचों लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पांचों लैंग्वेजेस से मिला के इतना बनता था जितना गाइस आज डे 42 का हिंदी से आने वाला है। अब कितना है सब देखते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, दिन को मैंने आपको कितना बताया था, 75 लाख रुपीज। लेकिन गाइस अभी अपडेटेड, यस गाइस, डे 42 की, आज की ट्यूसडे की अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है 1 करोड़ रुपीज। यार 1 करोड़ कमाने वाली है गाइस ये आज ट्यूसडे पे, लिटरली शॉकिंग। देखिए ना गाइस, कल एक नई फिल्म आने वाली है, तू झूठी मैं मकार, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी होने वाली है, एडवांस बुकिंग अच्छी है, सुपरस्टार बड़ा है रणबीर कपूर, उसके बाद भी पठान 1 करोड़। कहने का मतलब यह है कि आना उस फिल्म ने कल है, लेकिन आज उसकी एडवांस बुकिंग तो चल रही है ना, एडवांस बुकिंग के चलने के बाद भी पठान 1 करोड़ कमा रही है। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई, टोटली का टोटली क्रेजीपन। देखिए मैं आपको बताता चलूं, अगर 1 करोड़ आता है तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख। 1 करोड़ 20 लाख मान लेते हैं ग्रॉस कलेक्शन। ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट भी 50 लाख रुपए है। तो गाइस 1 करोड़ 20 लाख और 50 लाख हो जाते हैं 1 करोड़ 70 लाख। मतलब आज गाइस डे 42 पे, सिक्स्थ ट्यूसडे पे, कल मंडे से होके आ रही है, कल मंडे पे 1.3 करोड़ आया था और आज ट्यूसडे पे कम आना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, 1.70 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट। यार 1.70 करोड़ को छोड़ो, अगर 1.50, 1.5 करोड़ भी आता है तो बताओ कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने अपने डे 42 पे सिंगल लैंग्वेज से 1.5 करोड़ कमाया हो। भाई अनबिलीवेबल, टोटली का टोटली। अभी जब मैं बैठा था ना, तो मैं यही सोच के बैठा था कि दिन को अगर 75 लाख था तो अभी 80 लाख हो गया होगा, 85 लाख हो गया होगा। लेकिन जब मैंने 1 करोड़ देखा ना, मैंने कहा ओहो भाई ये क्या ला रही है, ये तो तबाही है, लिटरली तबाही है। अब देखिए गाइस, 1036 करोड़ पहले हो चुका है, एग्जैक्ट नंबर है 1036.35। उसमें अगर मैं 1.5 करोड़ ऐड करता हूं, अर्ली एस्टिमेट तो 1.70 करोड़ का ना, मैं 1.50 करोड़ ले रहा हूं, तो ये टोटल बनता है 1037.85, मतलब लगभग 1038 करोड़। इसके बाद 12 करोड़ बचेगा 1050 करोड़ होने में। तो मैंने जितना सोच रखा है कि 1050 करोड़ इसकी लाइफ टाइम कलेक्शन होंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी अब मैं गलत हूं। मतलब इससे पहले मैंने जितनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन दी हैं कि इतना ये टोटल कमा सकती है, सब वो गलत हुआ है और मुझे लगता है ये भी गलत होगा, क्योंकि ये 1050 करोड़ तो आपका मैं कुछ दिन में ही कर लेगी, मे बी इस संडे तक कर जाए, तो उसके बाद भी ये ऊपर भी जा सकती है। और अभी तो बांग्लादेश का थोड़ा सा रोला चल ही रहा है, लेकिन अगर उधर रिलीज हो जाती है तो भाई ये नहीं रुकने वाली जब तक जवान नहीं आ जाती, लिटरली कह रहा हूं। हिंदी से टोटल हो चुका है 517.05 करोड़, उसमें अगर 1 करोड़ डालो तो 518 करोड़। बाहुबली 2 की थी 511, लगभग 7 करोड़ पठान ज्यादा कर लेगी। ओ माई गॉड, मतलब भाई अनबिलीवेबल है ये फिल्म। मैंने ऐसी कलेक्शंस आज से पहले नहीं देखी और लिटरली आपने भी नहीं देखे होंगे। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर के बता के जाओ, क्या लगता है इसकी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है, नीचे बताना। होप्स आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।